तो यार आ चुका हूँ एक और न्यू इंस्टाग्राम का ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो ले करके। ये वाला वीडियो आपने इंस्टाग्राम पे बहुत ही ज़्यादा देखो, बहुत से लोग क्या कर रहे हैं अपने एक वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं छोटे बच्चे के साथ में। अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप अपने फ़ोटो के साथ भी ऐसा वीडियो बना सकते हो और वो भी बहुत ही ज़्यादा मस्त लगने वाला है क्योंकि ऐसे भी वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप वीडियो करना चाहो तो आप, मैं बताता हूँ आपको कितने सेकंड का आपको वो वाला वीडियो रिकॉर्ड करना है, फिर बाद में आपको टाइगर का फोटो कितने सेकेंड पर एड करना है, कौन कौन से इफेक्ट आपको इसके अंदर यूज़ करना है, बहुत आसानी से मैं आपको VN एप्लीकेशन से बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको VN एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लेना है, ये बिल्कुल फ्री है। ठीक है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उसके बाद आप इसको ओपन कर लोगे, ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उससे पहले आप लोगों को वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि ना तो मेरे वीडियो पर लाइक करते ना ही मेरे को कुछ ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करते। वीडियो तो देखते हैं मेरी लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, मतलब वीडियो देख के चले जाते हैं। ऐसा मत करो यार, सब्सक्राइब कर लो, आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियोज़ रेगुलर आने वाली हैं। तो आप इसको ओपन कर लेना, ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद आप इसको प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, न्यू प्रोजेक्ट पे जाओगे। न्यू प्रोजेक्ट पे जाने के बाद में ना आपको यहाँ से दो फोटोज़ को ऐड कर लेना है, एक तो आपके फ़ोटो को ऐड कर लेना है और एक टाइगर के फ़ोटो को ऐड कर लेना है। अगर आप अपनी वीडियो को ऐड करना चाहो तो आप अपनी वीडियो को ऐड कर सकते हो, अगर आप वीडियो के अंदर आपके साथ बच्चा है तो आपको टाइगर वाले फ़ोटो भी ऐसे लेने हैं जिसमें दो टाइगर है। ठीक है, जैसे कि मैं एक विराट कोहली डिविलियर्स का फोटो ले लेता हूँ और मैं दो टाइगर का फोटो ले लेता हूँ। आपको टाइगर के फ़ोटो कहाँ मिलेंगे, गूगल पर जाना, और गूगल पर जाने के बाद आप इस तरीके से लिख देना, कुछ भी लिख देना, टाइगर एंड चिल्ड। ठीक है, उसके साथ में आप लोगों को इमेज वगैरह कुछ भी लिख देना, तो आपके सामने वो सारे फोटोज आ जाएंगे। ठीक है, अभी आने के बाद में जो फोटो दोनों आपको ऐड कर देना है, दोनों फोटो ऐड करने के बाद में आपको एक वीडियो मिलता है जो आपके तरीके से मिलता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको जाके आपको डिलीट कर देना है। इसको डिलीट करने के बाद में ना आपको क्या करना है, आपको ओरिजिनल पे जाना है। ओरिजिनल पे जाने के बाद में आपको यहाँ से टिकटॉक वाला साइज 9 वाला रेशियो ऐड कर देना है। ठीक है, इसके बाद में अगर आप फोटो का साइज चेंज करना चाहो आगे पीछे तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप इसको रहने दो। ठीक है, अब इस तरीके से ऐड करने के बाद में ना आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर टैप टू ऐड म्यूजिक पे जाना है और आपको यहाँ से म्यूजिक पे जाना है। ठीक है, इसके बाद में ना आप लोगों को यहाँ से क्या करना है, आप लोगों को यहाँ से प्लस का ऑप्शन पे जाना है और आपको एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पे जाना है, इसी वीडियो को जो अभी आपने देखा ना स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, उसी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वही वीडियो आपको यहाँ मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, उस वीडियो को लेके आपको ऐड कर देना है। ठीक है, उसका जो ऑडियो ना वो यहाँ पर आ जाएगा, वीडियो नहीं आएगा, उसका ऑडियो आ जाएगा। ठीक है, पहले से मैंने इस वीडियो को लेकर रखा हुआ ऑडियो को, तो जैसे कि तुम देख सकते हो मैंने पहले से इस ऑडियो को लेकर नाम से रखा हुआ है। तो अभी जैसे कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा नीचे मिलने वाला है क्योंकि मैं इसके अंदर बहुत कुछ ऐड कर चुका हूँ पहले से। ठीक है, अब ये ऑडियो मेरे को यहाँ पर मिल चुका है, अब ये ऑडियो मेरे को यहाँ पर मिल चुका है। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको यहाँ से इसका जो लेंथ है फोटो की, फर्स्ट वाले फोटो की, इसकी लेंथ आपको ज़्यादा कर देनी है। ठीक है, आपको इसकी लेंथ ज़्यादा कर देनी है और इसके बाद आपको इसकी लेंथ कितनी ज़्यादा करनी है, आप देख सकते हो मैंने पहले से यहाँ पर एक बीट लगा के रखा हुआ है। ठीक है, ये बीट कितने सेकंड पर आता है, ये वाला बीट आता है 6.68 पर। ठीक है, जैसे कि तुम देख सकते हो अभी 6.68 पर मैं इसको लेके आ चुका हूँ, लेकिन मैं पहले फोटो की लेंथ ज़्यादा कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने फोटो की लेंथ ज़्यादा कर ली, फोटो की लेंथ ज़्यादा करने के बाद में मैंने इसको अच्छे से परफेक्ट ऐड कर दिया। ठीक है, जैसे कि तुम देख सकते हो अभी ये मैंने इसको ऐड कर दिया 6.68 सेकंड पर। ठीक है, 6.68 सेकंड पर फोटो ऐड हो चुका है। फोटो ऐड होने के बाद में ना ये वाले फोटो को अपन को क्या करना है, इस ऑडियो के बराबर में लेकर के आ जाना है, जैसे कि भी तुम देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं इसके बराबर में इसको लेकर के आ जाता हूँ, जैसे कि मैं इसको लेकर के आ चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ तक तो ये आ चुका है। इसके बाद में ना आपको क्या करना है, आप लोगों को ना क्या करना है, आपको फर्स्ट वाले फ़ोटो पर जाना है। ठीक है, आपको फर्स्ट वाले फ़ोटो पर जाना है और अपन को यहाँ से FX पर जाना है। FX पर जाने के बाद में अपन को यहाँ से ब्लैक वाले पर जाना है और अपन को इसको यहाँ से लास्ट पे लेकर आएंगे और इसके बाद अपन इसको थोड़ा सा स्मॉल कर लेंगे। ठीक है, अपन को सिर्फ यहीं तक ऐड करना है इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद में अपन को क्या करना है, इसके बाद में अपन को यहाँ से प्लस के ऑप्शन पर जाना है, प्लस के ऑप्शन पर जाना है, ब्लैक पर जाना है और अपन को इसको ऐड कर देना है। ठीक है, इस तरीके से आपको ऐड कर देना है। जब ये सेकंड वाला फोटो आएगा ना तो इस तरीके से थोड़ा ब्लैक ब्लैक होगा, फिर इस तरीके से ये शो होगा। ये शो होने के बाद में आपको क्या करना है, आप लोगों को वापस से फोटो पे क्लिक करना है टाइगर वाले पे। ठीक है, आपको FX पर जाना है। FX पर जाने के बाद में ना अपन को यहाँ से एक इफेक्ट को यूज़ करना है। कौन से वाले इफेक्ट को यूज़ करना है, आपको यहाँ पर मिलेगा ये एक्सपेंड वाला। ठीक है, इस वाले को यूज़ करना है, इसको आपको स्टार्टिंग वाले पार्ट पे लाना है और इसको आपको कहाँ तक ले जाना है, जहाँ तक ये जाता है ना वहाँ तक आपको इसको लेके आ जाना है और आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है और आपका जो स्टेटस वीडियो ना वो कम्प्लीट तरीके से बन चुका है। तो चलो अपन वीडियो को प्ले करके देखते हैं।
तो यार देख सकते हो इस तरीके से आपका स्टडी वीडियो जो बन जाएगा। अगर आप इसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर कोई इफेक्ट वगैरह यूज़ करना चाहो तो आप एफएक्स पर जा सकते हो, और एफएक्स पर जाने के बाद में ना आप यहाँ से कोई सा भी एक इफेक्ट यूज़ कर सकते हो, जैसे कि अपन ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं इसको स्टार्टिंग वाले पार्ट पर लेके आ जाता हूँ, जैसे कि मैं इसको स्टार्टिंग वाले पार्ट पर लाता हूँ, तो मैं इसको स्टार्टिंग वाले पार्ट पर ले करके आ चुका, ठीक है। आप जब भी फर्स्ट वाला फोटो आएगा ना वो इस तरीके से आएगा। आप इसको बीच बीच में भी दे सकते हो, बीच बीच में देने से क्या कुछ मूवमेंट मतलब कुछ इफेक्ट इसके अंदर बना रहेगा, ठीक है। जैसे कि अपन यहाँ पर भी इसको इफेक्ट को यूज़ कर लेते हैं, ताकि इससे क्या ना थोड़ा बहुत मतलब फोटो के अंदर थोड़ा बहुत वो रहता है, अच्छा लगता है मतलब फोटो, ठीक है। ये वाला इसको ऐड कर लेते हैं अपन। इसको ऐड करने के बाद में अपन वापस से इसको स्टडी वाले पार्ट पर लाते हैं यहाँ तक, ठीक है। अब इसके अंदर भी स्टडी वाले पार्ट पाएंगे, यहाँ पर भी स्टडी वाले पार्ट पाएंगे। अब इससे क्या है थोड़ा बहुत फोटो पर जो मतलब वीडियो पर जो ना इफेक्ट पड़ता है, मतलब अच्छा लगता है। इस तरीके से आपका स्टडी वीडियो कंप्लीट बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बनने के बाद में ना आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है और अपनी वीडियो को यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है। मैं आपको इफेक्ट इसलिए बता रहा हूँ कि आप अलग अलग यूज़ कर सकते हो, बाकी जो मैंने बताया वो भी कर सकते हो, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, ठीक है। तो और इतना था इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी ज़रूर से जाना।